सो आज एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो आपकी किचन के लिए है एक गेम चेंजर प्रोडक्ट। जी हाँ, वो है इनाल्सा का एयर फ्रायर, जिसे हम बोलते हैं एरो स्मार्ट। ये स्मार्ट वो ऑटोमेशन वाला स्मार्ट नहीं है जिसे हम बोलेंगे और कुकिंग हो जाएगी, लेकिन इसका मॉडल नंबर है इनाल्सा एरो स्मार्ट एयर फ्रायर। एयर फ्रायर ऑलमोस्ट अब सबको पता है कि एयर फ्रायर क्या चीज होती है। मैं वैसे आपको बता देती हूँ, एयर फ्रायर के अंदर हम विदाउट ऑयल कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हमारे घरों में पहले अवन्स भी होते थे, अब एयर फ्रायर्स आ गए हैं। अवन प्लस एयर फ्रायर इनाल्सा ने निकाल दिया है एरो स्मार्ट। एयर फ्रायर मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ फिलिप्स का, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसकी बास्केट थोड़ी सी छोटी होती है। इनाल्सा का एरो स्मार्ट एयर फ्रायर आता है 23 लीटर्स के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देती हूँ और इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट देखने में कैसा लगता है। सो गाइस, बॉक्स मैंने ओपन कर लिया है। बॉक्स में हमें मिला है एक स्टेनलेस स्टील का एरो स्मार्ट इनाल्सा एयर फ्रायर, जो कि आप देख सकते हैं, और साथ में हमें मिली है एक क्रम ट्रे, एक इनामल्ड बेकिंग ट्रे, एक ग्रिल ट्रे, एक ग्रिल पकड़ने के लिए हैंडल दिया हुआ है, एक रोटेसरी दी हुई है, एक फोक सेट दिया हुआ है, एक रोटेसरी हैंडल है, इसमें 4 स्क्यूअर्स हैं, एक क्रिस्पर बास्केट है, एक ग्लव है, एक रेसिपी बुक है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है एंड एक वारंटी कार्ड है। सो ये जो इनाल्सा का एयर फ्रायर है ना, पूरा स्टील का है। आप ये ऊपर टॉप पे देख सकते हैं, ये टच कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, ऊपर टॉप पे सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो काम करना है, लाइक आपको बेकिंग करनी है, आपको ग्रिलिंग करनी है, आपको फ्राइंग करनी है, तो सब कुछ ऊपर टॉप पे दिया हुआ है। यहाँ पर जो टच पैनल दिया हुआ है, ये स्मार्ट टच कंट्रोल के साथ आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंडल दिया हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे। अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं हीटिंग रॉड्स दी हुई है, इसमें हम जो ट्रेस लगाते हैं उसको हम अप डाउन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ग्लास। तो ओवरऑल आप ग्लास से ये चीज देख सकते हैं कि अंदर खाना कितना बन चुका है। वैसे तो टाइमर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी एक क्यूरियोसिटी होती है ना अंदर से कि क्या हो रहा है अंदर, सो वो चीज आप इसमें कर सकते हैं। फ्रंट एंड बैक भी आप देखेंगे ना इसकी, तो वो पूरी टोटली स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, और इसकी कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है। मतलब 23 लीटर्स की कैपेसिटी एयर फ्रायर के अंदर बहुत कम मॉडल्स में आती है। मैं खुद पर्सनली फिलिप्स का एयर फ्रायर यूज कर रही हूँ, उसके अंदर मुझे पिज्जा जब बनाना पड़ता है तो थोड़ा पिज्जा के कॉर्नर्स को कट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो बास्केट है वो 4.2 लीटर्स की आती है। मैंने उसकी भी वीडियो बनाई हुई, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने कुकिंग भी करके दिखाई थी, आप वो भी देख सकते हैं। इसकी कैपेसिटी तो काफी अच्छी है, लेकिन अगर ये आपकी किचन में आ जाएगा ना, तो आपकी किचन में 4 चांद लगा देगा। बहुत इंप्रेसिव लुक है इसकी, मैं खुद फील कर पा रही हूँ कि काफी ड्यूरेबल और अच्छा प्रोडक्ट बनाया इनाल्सा ने। सो अब इनाल्सा के ना कुछ आपको मैं ऐसे फीचर्स बता देती हूँ जो एक एयर फ्रायर के अंदर किसी भी ब्रांड में नहीं आ रहे हैं। इस एयर फ्रायर के अंदर आता है स्मार्ट टच कंट्रोल पैनल, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है, और इसमें आते हैं 16 प्रीसेट प्रोग्राम्स जो ऑलरेडी इसके अंदर लोडेड है। आपको मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपने जो चीज करनी है उसको प्रेस किया और इजीली आपका एयर फ्रायर स्टार्ट हो जाएगा। इसकी डिस्प्ले भी डिजिटल डिस्प्ले आती है, सो आपका जो भी टेम्परेचर सेट कर रहे हो या टाइमर है वो आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा। इसके अंदर आपको मिलेगा डुअल एयर सिस्टम टेक्नोलॉजी, जिससे क्या होगा, 2 साइड से हवा आती है तो उसमें खाना जल्दी कुक होगा और ज्यादा अच्छा कुक होगा। आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो डिश के अकॉर्डिंगली, अगर आपको टेम्परेचर सेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। वैसे जो प्रीसेट मेन्यूज हैं वो तो ऑलरेडी इसमें है ही है, आप चाहो तो टेम्परेचर को भी अपने अकॉर्डिंगली इसमें सेट कर सकते। इसके अंदर आप 10.5 घंटे का टाइमर लगा सकते हैं। वैसे घरों में तो नॉर्मली 10.5 घंटे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कमर्शियली आप यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये कमर्शियल के लिए फीचर काफी अच्छा हो। अगर आप इसमें कुछ खाना बना रहे हैं और आप इधर उधर अपना काम कर रहे हैं तो एक एयर फ्रायर या एक अवन अपने आप बंद हो जाता है, तो ये सेम फीचर आपको इसमें भी मिल जाएगा। एंड इसमें आपको साथ ही साथ मिलेगा रोटेसरी का फीचर। एयर फ्रायर के अंदर रोटेसरी नहीं मिलता है, कुकिंग आप कर सकते हो लेकिन रोटेसरी से क्या होता है, खाना अच्छे से कुक हो जाता है। मैं आपको रोटेसरी भी बता देती हूँ क्या चीज होती है। रोटेसरी एक स्टील की रॉड होती है जो हम अवन या माइक्रोवेव में यूज करते हैं, जिससे खाना रोटेट होता है इस तरीके से स्टिक पे लगा के, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा पनीर टिक्का या कबाब हम मार्केट में लेते हैं, तो वही चीज अगर आपको घर पे कुक करनी है तो वो आप रोटेसरी पे करके एक रेस्टोरेंट टाइप फील अपने घर पे भी ले सकते हैं। सो ये एयर फ्रायर आता है 1700 वॉट्स के अंदर। सो इसकी MRP आती है 24995, 24,995 रुपए, लेकिन अभी इस पे बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है, ये आपको पड़ रहा है 9995 का, मात्र 10,000 रुपए में 23 लीटर का एयर फ्रायर कोई भी ब्रांड नहीं दे सकता। मैं आपको क्वालिटी का बता देती हूँ, पर्सनली मैंने इसको यूज नहीं करा है, लेकिन जो मुझे ब्रांड वैल्यू से समझ में आ रहा है ना, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगी। अगर मैं इसको यूज कर पाई तो मैं आपको यूज का भी रिव्यू दिखाऊंगी, लेकिन ओवरऑल मुझे ये मॉडल पसंद आया है। आप इसको चाहे तो ले सकते हैं, 10,000 में 23 लीटर का एयर फ्रायर या अवन किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगा।
सो इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां जाके ले सकते हैं। सो अगर आपको एयर फ्रायर से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो ना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी। मैंने फिलिप्स के एयर फ्रायर में ना 2-3 डिशेस भी कुक करके दिखाई हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, उसका बाय लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप जो भी लेना चाहें अपने घर के लिए आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब आप सब्सक्राइब करते हो बहुत मोटिवेशन मिलती है और मन करता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।